नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सर्किल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या जुलाई 2019 तक अपडेट। ठीक है, ये जुलाई 2019 तक अपडेटेड लिस्टेड मेरे पास, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को दबा लें ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुँच सकें। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और सभी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं वर्तमान में कौन क्या जुलाई 2019 तक। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं रामनाथ कोविंद हैं, 25 जुलाई 2017 से हैं ये। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, 5 अगस्त 2017 से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए 30 मई 2019। ठीक है, इन्होंने शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव कौन है? नृपेंद्र मिश्रा है। ठीक है, याद रखना है इनको। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। उससे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो उनका नाम बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला अभी बने हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति हैं श्री एम वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी हैं। लोकसभा के महासचिव स्नेह लता श्रीवास्तव, 1 दिसंबर 2017 का से कार्यकाल हैं और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2019 तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो कौन है? बीरेंद्र कुमार हैं जून 2019 से। राज्यसभा के महासचिव हैं दीपक वर्मा 1 सितंबर 2017 से। ठीक है, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? डॉक्टर एम थंबुदुरई हैं ये। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। ठीक है, तो इनमें आप कन्फ्यूज ना कीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है इसलिए नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं श्री राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इन्होंने अरविंद पनगड़िया का स्थान लिया था जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे ये, तो अरविंद पनगड़िया का इन्होंने स्थान लिया था। डॉक्टर राजीव कुमार 2017 से कार्यरत हैं। ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है? श्री अमिताभ कांत। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और CEO में कन्फ्यूज मत होइएगा, CEO अमिताभ कांत हैं, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ये 2 जनवरी 2015 से ये हैं अपनी जगह पर कार्यरत। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन? ब्रजेंद्र पाल सिंह हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये सूर्य प्रकाश, ये 2017 से इनका कार्यकाल है। प्रसार भारती के CEO कौन है? शशि शेखर वेम्पति। दिल्ली मेट्रो रेल निगम बोर्ड DMRC के अध्यक्ष अभी जो हैं DS मिश्रा हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं शोभना कमिनेनी। ठीक है, शोभना कमिनेनी हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सेना का प्रमुख जनरल बिपिन रावत हैं अभी, ये 2 दिसंबर 2016 से कार्यरत हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ये हैं एयर मार्शल बीरेन सिंह धनोआ हैं। भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख कौन बने हैं? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, पहले नौसेना के सुनील लामा थे तो उनकी जगह पर ये हुए हैं अभी वाइस एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, याद रखना है ये 24 में हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, भारतीय नौसेना के प्रमुख 24 में हैं और 1 जून 2019 से ये पद पर कार्यरत हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? BSF के रजनीकांत मिश्रा हैं, 1984 बैच के हैं, उत्तर प्रदेश के कैडर के। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो इसके हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है, कृष्ण स्वामी नटराजन, इन्होंने राजेंद्र कुमार का स्थान लिया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
के महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ के हैं राजीव राय भटनागर, ये 30 जून 2017 से। औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के हैं राकेश रंजन, 1984 बैच के हैं, कैडर आईपीएस हैं ये। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार, ठीक है। ये जो हैं अभी नियुक्त हुए हैं अरुण कुमार। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। 31 अक्टूबर को इन्होंने आर के पंचनंदा सेवानिवृत्त तो हो गए, इनका इन्होंने स्थान लिया आर के पंचनंदा का। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? राजीव चोपड़ा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमेश कुमार राजेश चंद्र, 31 दिसंबर 2021 तक हैं ये। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष के एन व्यास हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं श्री के सिवान हैं, ठीक है। तो 10 जनवरी 2018 से ये हैं। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी रंजन गोगोई हैं, 3 अक्टूबर 2018 से हैं, और 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, रंजन गोगोई। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक हैं श्री वाई सी मोदी, ठीक है। ये वाई सी मोदी हैं और इन्होंने शरद कुमार का स्थान लिया है, और ये 18 सितंबर 2018 से हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी एन सुरेश। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के हैं देवब्रात्रा मुखर्जी हैं ये। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी इनका नाम है, 1 फरवरी 2019 से हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सीबीडीटी के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखो, ठीक है, सीबीडीटी हो गया सेबी हो गया, तो सीबीडीटी के पीसी मोदी हैं और सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा हैं 2018 से। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद गयूर उल हसन रिजवी, ठीक है। बाल अधिकार के संरक्षण के लिए आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? प्रियंका कानूनगो, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कौन है? राजीव महर्षि, ठीक है, ये 2017 से हैं राजीव महर्षि। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ओपीएससी के कौन बने? अरविंद सक्सेना बने, ये 7/8/2020 तक हैं, ठीक है, यानी अगस्त 7/8/2020 तक हैं। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। अरविंद सक्सेना को 20 जून से कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और मुख्य सूचना आयुक्त हैं सीआईसी सुधीर भार्गव हैं 31 दिसंबर 2018 से। एसएससी के अध्यक्ष हैं श्री असीम खुराना। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, ये 9 नवंबर 2017 से, इनका कार्यकाल 2021 तक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो राजीव जैन हैं, ये 17 दिसंबर 2016 से कार्यरत हैं। रॉ के अध्यक्ष कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख चीफ कौन है? सामंत गोयल हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं अरविंद कुमार। परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के अध्यक्ष हैं एस के शर्मा, 23 मई 2016 से हैं, 5 वर्षों के लिए इनका चुनाव किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम सीबीईसी के अध्यक्ष कौन है? नजीब शाह हैं ये। सीबीएसई के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनीता करवाल हैं, 31 अगस्त 2017 से हैं ये। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान, ठीक है, 21वें है, ठीक है, न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शशिकांत दास, ठीक है, ये 25वें गवर्नर है, ठीक है। 24वें हमारे थे उर्जित आर पटेल, और 25वें हमारे शशिकांत दास, ये 2018 से हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? महेश कुमार जैन है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली
सीएफओ कौन किसे नियुक्त किया गया, सुधा बालकृष्णन को नियुक्त किया गया, ये महिलाएं 15 मई 2018 से उनका कार्यकाल 3 साल के लिए, ठीक है, सुधा बालकृष्णन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए गैर आधिकारिक निदेशक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति हैं, अगस्त 2018 से 4 साल के लिए इनको रखा गया है। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बी एन सुरेश, ठीक है। वित्त सचिव के फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्ष कौन है, ए एन झा है, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्ष ए एन झा, याद रखना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, वी के यादव बने, पहले एस सुनील वानी थे तो अभी जो है वी के यादव बने, ठीक है, इनको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम्स के लिए, वी के यादव, ठीक है, विनय कुमार यादव इनका नाम, और पहले अश्विनी लोहानी थे जो कि एयर इंडिया के अध्यक्ष बन गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक कौन बने, तो मृत्युंजय महापात्र बने हैं ये। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, प्रसून जोशी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने, जी सतीश रेड्डी, अगस्त 2018 से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर हैं, मई 2016 से, ठीक है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर, मई 2016 से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है, मनु सहानी है। देखिए अध्यक्ष और सीईओ में अंतर है, अध्यक्ष और सीईओ में कन्फ्यूज मत होइए। अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, विक्रमजीत सिंह साहनी। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, श्री दिनेश कुमार सर्राफ हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, एम आर कुमार हैं, ये मार्च 2019, 5 साल के लिए इनको रखा गया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन है, दिनेश पांगटे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ईडी के नए चेयरमैन कौन है, सुभाष चंद्र खुटिया हैं ये। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एफसीआई के कौन है, श्री योगेंद्र त्रिपाठी। अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन है, राकेश कपूर हैं, 24 मई 2017 से हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी के अध्यक्ष कौन है, विक्रम लिमए। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, जयश्री व्यास हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक हैं जयश्री व्यास। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर हर्ष कुमार बानवाला। नाबार्ड के हैं डॉक्टर हर्ष कुमार बानवाला, 2 सितंबर 2013 से हैं और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए, ठीक है, तो 13 से हैं तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया होगा क्योंकि 19 चल रहा है। भारतीय निर्यातक के संगठन के संघ के अध्यक्ष कौन है, ये एस सी रहल हैं, ठीक है। इन्फोसिस के संस्थापक कौन है, नारायण मूर्ति हैं। इन्फोसिस के सीईओ कौन है, सरिल पारेख हैं और ये 2 जनवरी 2018 से हैं, ये सरिल पारेख। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, एपी महेश्वरी हैं। 30 अक्टूबर 2017 से हैं और 28 फरवरी 2021 तक इनका कार्यकाल है। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है, राम सेवक शर्मा, ये 2 सितंबर 2020 तक हैं, राम सेवक शर्मा। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है, श्री एल सी गोयल हैं और 31 अगस्त 2015 से हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रमुख कौन है, सीतांशु कर हैं ये, और महानिदेशक के रूप में 6 महीने का विस्तार इनका किया गया था। सेवी के चेयरमैन प्रबंध निदेशक कौन है, श्री मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल हैं, इनको स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जान मथाई थे, ठीक है, ये भी याद रखना, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जान मथाई थे और अभी जो हैं श्री पीयूष गोयल हैं, ये केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री हैं। केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है, श्री विनय कुमार सक्सेना। आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है, श्री
इंदु भूषण, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत के CEO इंदु भूषण, ठीक है, ये अभी स्कीम लॉन्च हुई इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आयुष्मान भारत के CEO श्री इंदु भूषण नासकॉम के अध्यक्ष हैं। देवजानी घोष BAI भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा बैंक बोर्ड ब्यूरो BB के अध्यक्ष हैं। भानु प्रताप शर्मा विनोद राय की इन्होंने जगह ली, कार्यकाल इनका 2 वर्ष का होगा। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, श्री सुरेश प्रभु हैं ये। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक PP मल्होत्रा हैं। इंडिगो के अंतरिम CEO कौन है, राहुल भाटिया 31 जुलाई 2018 से ये अंतिम CEO हैं इंडिगो के, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI के CEO कौन है, पवन कुमार अग्रवाल हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष कौन है, RK अग्रवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश हैं, ठीक है। ट्राइफेड के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र मीणा। ट्राइफेड के उपाध्यक्ष कौन है, श्रीमती प्रतिभा ये मरियामा कोसी, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का अध्यक्ष CK प्रसाद हैं, वह न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू की इन्होंने जगह ली है, CK प्रसाद ने, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष हैं ये श्री CK प्रसाद। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं CMD अनिल कुमार झा। 31 जनवरी 2020 तक हैं ये। एंड हॉकी इंडिया, इंडिया हॉकी के अध्यक्ष हैं मुश्ताक अहमद। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है, यदुवीर सिंह मलिक, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है यदुवीर सिंह मलिक को। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है, उत्तम पछरने, 3 वर्ष तक इन अपने पद पर रहेंगे उत्तम पछरने, ठीक है। प्रतिष्ठित न्यायवादी जूरिस्ट मुकुल रोहतगी हैं ये। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBDT के अध्यक्ष कौन है, CBIC के अध्यक्ष हैं प्रवण कुमार दास। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, श्री शरद कुमार को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जनार्दन सिंह गहलोत, ये 4 साल का इनका कार्यकाल है। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, 2 जुलाई 2018 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। सेल के अध्यक्ष हैं प्रबंध निदेशक अनिल कुमार चौधरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक और प्रबंध निदेशक महाप्रबंधक कौन है, श्री विजय निवास, 1 जुलाई 2018 से हैं ये। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष हैं विशाल पटेल, विश्वास पटेल, नवीन सूर्या की इन्होंने जगह ली है। एमिरिटिस के अध्यक्ष कौन है, नवीन सूर्या। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल CAT के अध्यक्ष कौन है, पूर्व जज हैं ये, सॉरी पूर्व CJ नरसिंह रेड्डी हैं, ठीक है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC के चेयरमैन कौन है, दीपक उत्प्रेती, 2 जुलाई 2018 से। अनिल भारती परिषद तकनीकी शिक्षा AICTI के अध्यक्ष कौन है, अनिल डी सहस्त्र बुद्धि हैं ये। ये 17 जुलाई 2015 से पुनर्युक्त किए गए हैं ये अनिल डी सहस्त्र बुद्धि। राष्ट्रीय दिव्य रोजगार संवर्धन केंद्र के निदेशक कौन है, अरमान अली, कार्यकारी निदेशक हैं ये। HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया के नए CEO हैं सुरेंद्र रोसा। विद्युत अपीली ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं श्रीमती न्यायमूर्ति हैं मंजुला चेल्लूर। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की, ठीक है, श्रीमती मंजुला चेल्लूर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO कौन है, आशीष कुमार भूटानी, 9 मई 2020 तक रहेंगे। SOCHAM के महासचिव कौन है, उदय कुमार वर्मा, 2 अगस्त 2018 से हैं। DS रावत का उन्होंने स्थान लिया।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के अध्यक्ष और पूर्ण निदेशक हैं आर माधवन। राष्ट्रीय दिव्य रोजगार संवर्धन के निदेशक हैं अरमान अली, कार्यकारी निदेशक हैं ये। हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन इंडिया के नेसी सुरेंद्र रोजा, ये शायद रिपीट हो गया यहाँ से दो चार क्वेश्चन। ठीक है, भारत का मुख्य सांख्यिकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विप्रो के अध्यक्ष हैं अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, 1 जनवरी 2019 से 5 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, कि अंतरिम निदेशक कौन है, संजय मिश्रा हैं, ये नवंबर से 3 महीने के लिए चुने गए। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, गिरीश राधा कृष्ण है ये। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता, 25 अक्टूबर 2022 तक हैं। भारत के अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं जलल श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं नागेश्वर राव गुंटूर। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष हैं AM नायक। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक हैं रामपाल पवार। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान हैं और ये 30 जून 2020 तक रहेंगी। और माधवी ASG में नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं, इंदिरा जयसिंह पहली महिला थी। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के उपाध्यक्ष कौन है, उदय शंकर हैं, और अध्यक्ष जो हैं संदीप सोमन है। ठीक है, फिक्की के। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं BVP राव। ठीक है, आर्थिक कुंजी फ्रेमवर्क समिति के अध्यक्ष हैं बिमल जालान। आयुध कारखानों के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज DGOF हैं सौरभ कुमार। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के महानिदेशक कौन है, सुलवा रनाडे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO कौन है, S राधा चौहान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के फर्स्ट लोकपाल कौन है, DK जैन है, फरवरी 2019 में नियुक्त किए गए DK जैन। WFI के अध्यक्ष कौन है, ब्रजभूषण शरण सिंह, तीसरी बार चुने गए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, मिजोरम के पहले लोक आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो सी लाल सवाता को। ठीक है, देश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, पिनाकी चंद्र घोष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए। ठीक है, रक्षा लेखा के 52वें महानिदेशक कौन है, राजेंद्र कुमार नायक हैं। ITC के नया अध्यक्ष कौन बने हैं, संजीव पुरी। जनरल काउंसिल इंश्योरेंस के महासचिव कौन है, MN शर्मा हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक KS धरत वालिया हैं। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार उनको मिला है, और यहीं तक रखते हैं, बाद की अगले वीडियो में देखेंगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2019 में जितने भी लोगों को मंत्री नियुक्त किया गया है, जितने भी लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वो सब देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसमें मंत्रियों के नाम सब कुछ वगैरह, राज्यपाल वगैरह सब उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।